उत्तर प्रदेश के बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अली अहमद ने अदालत में आत्मसमर्पण करने की याचिका दी है। कोर्ट ने अली अहमद की याचिका पर करेली थाने को बुधवार यानी 12 जनवरी को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। 19 वर्षीय अली के वकील राधेश्याम पांडे की ओर से दी गई याचिका में कहा गया है कि वो LLB प्रथम वर्ष का छात्र और शांतिप्रिय नागरिक है, लेकिन बिना कारण बताए 10 दिनों से लगातार पुलिस उसके घर पर दबिश देकर पूछताछ कर रही है। उसके परिजनों को हैरान, परेशान और उत्पीड़न कर रही है। इसीलिए थाना करेली से रिपोर्ट तलब कर ली जाए, क्योंकि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। गौरतलब है कि अतीक अहमद, उनके बेटे अली, अतीक और अन्य के खिलाफ धमकाने, 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और जमीन कब्जाने के आरोप में उनके ही रिश्तेदार जीशान ने करेली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि अतीक अहमद का छोटा बेटा अली 25 सितंबर को उस समय सुर्खियों में आया था जब AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में रैली की थी। रैली में उसने मंच से अधिकारियों को खुलेआम धमकी देते हुए कहा था कि उसकी सरकार बनने पर उन्हीं अधिकारियों से एक एक ईंट वापस लगवाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इसके इस तरह के बयान आने के बाद ही पुलिस और प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया था।